का फैसला किया। कप्तान सौरव गांगुली और दिनेश मोंगिया ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़े। दिनेश मोंगिया 25 रन बनाकर स्ट्रीक की गेंद पर आउट हो गए। कप्तान सौरव गांगुली ने शानदार 57 रन बनाए। बीबीएस लक्ष्मण बेहतरीन 75 रन बनाकर रन आउट हो गए। अजित अगरकर ने 19 गेंदों पर शानदार 40 रन बनाए। निर्धारित 50 ओवर में भारत ने 274 रन बनाए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश और गुजरात की स्थिति को लेकर संसद के दोनों सदनों में शोर शराबा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। मणिपुर में ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व में सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट मंत्रिमंडल ने शपथ ली। और फरीदाबाद एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 275 रन का लक्ष्य रखा। ये थी अब तक की खबरें। नमस्कार। Thank you.